उत्तर प्रदेश में आज हम सभी 52 जिलों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश भारत के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो मध्य प्रदेश कुल मिला के 52 जिलों से बना हुआ है। आइए चलते हैं, एक एक करके हम सभी जिलों के बारे में जानते हैं। तो जो भी जिला होगा वो कलर करते जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जिला है नीमच, तो नीमच जिला यहाँ पर। दूसरा है आपका जिला, दूसरा जिला आपका मंदसौर है। उसके बाद तीसरा जिला है आपका रतलाम। चौथा जिला है आपका झाबुआ। पांचवा जिला है आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद आते हैं हम छठवें जिले पर, धार। फिर आते हैं अपन सातवें जिले पर, बड़वानी। आठवें जिले पर आते हैं खरगोन। नौवें जिले पर आते हैं अब बुरहानपुर, महाराष्ट्र से लगा हुआ है। दसवां खंडवा, नर्मदा नदी बहती है। ग्यारहवां हरदा, हरदा के बाद आते हैं बारहवें नंबर पर बैतूल। बैतूल के बाद आते हैं हम तेरहवां नंबर पर छिंदवाड़ा। उसके बाद चौदह नंबर पर आते हैं सिवनी। सिवनी के बाद पंद्रह नंबर पर आते हैं बालाघाट। ये देखिए बालाघाट यहाँ पर है। फिर सोलह नंबर पर मंडला। सत्रहवें नंबर पर ढिंडोरी। अठारहवें नंबर पर है अनूपपुर। फिर 19वें नंबर पर है शहडोल। 20वें नंबर पर है सीधी। 21वें नंबर पर है सिंगरौली, सबसे पूर्वी जिला कहते हैं इसको। 22वें नंबर पर रीवा। 23वें नंबर पर सतना। 24 नंबर पर उमरिया। 25वें नंबर पर है आपका कटनी, चूना नगरी के नाम से जानते हैं। 26वें नंबर पर जबलपुर। उसके बाद 27वें नंबर पर नरसिंहपुर। 28वें नंबर पर होशंगाबाद, उसको नर्मदापुरम के नाम से भी जानते हैं। 29वें पर सीहोर। 30वें नंबर पर देवास। 31 नंबर पर है इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर। 32वें नंबर पर उज्जैन। 33 नंबर पर आगर मालवा, नया जिला बना हुआ ये। 34 नंबर पर शाजापुर। 35 नंबर पर राजगढ़। 36 नंबर पर गुना। 37 नंबर पर विदिशा। 38 नंबर पर रायसेन। 39 नंबर पर सागर और 40वें नंबर पर है दमोह। इसके बाद 41 नंबर पर पन्ना, मैरून कलर से। 42 नंबर पर छतरपुर। फिर इसके बाद 43 नंबर पर टीकमगढ़। टीकमगढ़ के बाद 44 नंबर पर निवाड़ी, नया बना हुआ है। 45 नंबर पर अशोकनगर। देन 46 नंबर पर शिवपुरी। फिर 47 नंबर पर दतिया। 48 नंबर पर आपका है ग्वालियर। फिर 49 नंबर पर आपका श्योपुर। 50 नंबर पर मुरैना। फिर 51 नंबर पर है भिंड। और 52 नंबर पर आखिरी जिला है भोपाल, क्योंकि भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के बारे में हमने कलर वाइज बताया हुआ है। तो भोपाल इसकी राजधानी है। और देखिए इस तरह से ये पूरे 52 जिले पूरे होते हैं। इसी प्रकार हमारी अगली क्लास में एक एक जिले को लेकर हम देखिए सभी राज्य मिलते हैं तो भारत किस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें मध्य प्रदेश एकदम मध्य में, इसीलिए इसको हमारे भारत का दिल भी कहते हैं।